दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बी योर मनी मैनेजर। दोस्तों अगर आपका बैंक खाता कर्नाटक के मस्की स्थित श्री मल्लिकार्जुन पटाना सहकारी बैंक नियमित में है तो आपके लिए बुरी खबर है। ये खबर क्या है और आप जैसे ग्राहकों पर इसका क्या असर हुआ, ये सब हम आपको इस एपिसोड में आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले, साथ ही साथ अपने दोस्तों रिश्तेदारों अपने जान पहचान वालों को भी इस YouTube चैनल को शेयर करने के लिए कहें, सब्सक्राइब करने के लिए कहें, पैसों से जुड़े सवाल पूछने के लिए कहें, क्योंकि पैसों से जुड़े हर सवाल के जवाब यहां दिए जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आरबीआई ने कर्नाटक के मस्की स्थित श्री मल्लिकार्जुन पटाना सहकारी बैंक नियमित पर 18 जुलाई 2022 के कारोबार की समाप्ति से अगले 6 महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है, यानी बैंक अब पाबंदी के साथ कारोबार करेगा। बैंक की खराब वित्तीय स्थिति के कारण पाबंदी लगाई गई है, फिलहाल ये पाबंदी 6 महीने के लिए है। अब इस प्रतिबंध का मतलब क्या हुआ बैंक के लिए और बैंक के ग्राहकों के लिए, तो इस प्रतिबंध का मतलब बैंक के लिए क्या है ये पहले जान लेते हैं। तो यह बैंक यानी श्री मल्लिकार्जुन पटाना सहकारी बैंक नियमित भारतीय रिजर्व बैंक से लिखित रूप से पूर्व अनुमति लिए बिना कोई भी लोन और एडवांस ना तो दे सकेगा और ना ही उसका नवीकरण यानी रिन्यूअल करेगा। कोई निवेश नहीं करेगा, निधियां उधार लेने और नई जमा राशियां स्वीकार करने सहित अपने ऊपर कोई भी देयता यानी लायबिलिटी नहीं लेगा। कोई भुगतान नहीं करेगा और न ही भुगतान करने के लिए सहमत होगा, भले ही भुगतान उनकी देनदारियों और दायित्वों की चुकौती से या फिर किसी दूसरे काम से संबंधित ही क्यों न हो। कोई समझौता या इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं करेगा। इसके अलावा बैंक अपनी किसी भी संपत्ति या आस्ती को न तो बेचेगा, न अंतरित यानी ट्रांसफर करेगा और न ही उसका निपटान यानी सेटलमेंट करेगा। लेकिन रिजर्व बैंक की इस पाबंदी का असर सबसे ज्यादा ग्राहकों पर पड़ेगा और उन पर ही सबसे ज्यादा आफत आई है। जमाकर्ता अब प्रतिबंध की तारीख से फिलहाल 6 महीने तक कुल शेष जमा राशि में से एक भी पैसा नहीं निकाल पाएंगे, भले ही बैंक में उनका बचत खाता हो, एफडी हो, आरडी हो या चालू खाता या कोई और खाता हो, और कितना भी पैसा क्यों न जमा हो एक भी पैसा नहीं निकाल पाएंगे अपने ही खाता से। लेकिन जमाकर्ता ने अगर बैंक से लोन लिया है तो उसकी बचत जमा राशि में से लोन की ईएमआई चुकाई जा सकती है, लेकिन यह भी शर्तों के अधीन होगी। श्री मल्लिकार्जुन पटाना सहकारी बैंक नियमित पर प्रतिबंध लगाते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी साफ कर दिया है कि बैंक पर लगाए गए इस प्रतिबंध का मतलब भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उस बैंक का लाइसेंस रद्द करना नहीं है। बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कारोबार करना जारी रखेगा और रिजर्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर इन निर्देशों में संशोधन करने पर विचार कर सकता है। आरबीआई ने साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि बैंक के 99.53% जमाकर्ता पूरी तरह से DICGC बीमा योजना द्वारा कवर किए गए हैं। इसका मतलब है कि अगर इस बैंक का लाइसेंस रद्द किया जाता है तो बैंक के जमाकर्ताओं को 5 लाख रुपए तक वापस मिल सकेंगे, बाकी पैसे डूब जाएंगे। यानी अगर किसी ग्राहक का बैंक में 6 लाख जमा है तो उस ग्राहक को अपना 1 लाख रुपया भूल जाना होगा। आरबीआई के मुताबिक बैंक के 99.53% जमाकर्ताओं को DICGC बीमा योजना का लाभ मिलेगा। रिजर्व बैंक के इस निर्देश की प्रति बैंक परिसर में भी प्रदर्शित की गई है, तो आप अपने बैंक में भी जाकर ये निर्देश देख सकते हैं या फिर अपने बैंक में जाकर संबंधित अधिकारी से इस बारे में विस्तार से बात कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण सवाल उठते हैं। पहला, अगर किसी ने प्रतिबंध लगने की तारीख तक किसी को उस बैंक का चेक दिया हुआ तो क्या होगा, या फिर उस बैंक से किसी के लोन की ईएमआई किसी और बैंक में अपने आप नियत तारीख को जाती होगी और वह तारीख 18 जुलाई के बाद की हो तो क्या होगा। तो इन दोनों मामले में ग्राहकों को सतर्क रहना होगा, या तो चेक को तुरंत रद्द कर दें और किसी दूसरे बैंक में फटाफट खाता खुलवाकर वहां का चेक दे दें, वरना उस बैंक का चेक बाउंस हो सकता है और जुर्माना देना पड़ सकता है। अगर किसी की ईएमआई उस बैंक से अपने आप जाती है तो जिस बैंक में ईएमआई जाती है वहां जाकर संपर्क करें और अपनी समस्या बताएं और ईएमआई चुकाने की कोई वैकल्पिक व्यवस्था करें, जैसे किसी दूसरे बैंक में खाता खुलवाकर वहां से ईएमआई का भुगतान करें या फिर नियत तिथि से पहले चेक के जरिए ईएमआई का भुगतान कर दें, नहीं तो आप डिफॉल्ट हो सकते हैं। दूसरा सवाल और भी महत्वपूर्ण है,
कि बैंक के ग्राहकों को उनका केवल 5 लाख रुपए तक ही क्यों मिलना चाहिए, उनके पूरे पैसे क्यों नहीं मिलने चाहिए। सरकार, आरबीआई, वित्त मंत्रालय को इस बारे में सोचना होगा। लाइसेंस रद्द होने की स्थिति में केवल बैंक के 99.53% जमाकर्ता को ही उनका पूरा पैसा मिल सकेगा, बाकी का नहीं। ये तो सरासर गलत है। बाकी के जमाकर्ता को बिना किसी गुनाह के उनका पैसा काटा जा रहा है। गुनहगारों को उनके किए की सजा दी जाती है या उनसे जुर्माना वसूला जाता है, लेकिन यहाँ तो बेगुनाह बैंक जमाकर्ता के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है जो कि बिल्कुल गलत है। दोस्तों, पिछले कुछ समय से लगातार सहकारी बैंकों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है या उसका लाइसेंस रद्द किया जा रहा है। इस तरह के ज्यादातर बैंक हालांकि महाराष्ट्र के हैं, लेकिन दूसरे राज्यों के भी सहकारी बैंक पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है या उसका लाइसेंस रद्द किया जा रहा है। इसलिए किसी भी सहकारी बैंक में जिनका खाता है या जो सहकारी बैंक में खाता खुलवाने जा रहे हैं, उन्हें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि पैसा आपका है और आपका पैसा आपके ही काम आना चाहिए। यानी कह सकते हैं कि इन दिनों बैंक में पैसा रखना काफी रिस्की हो गया है। ना जाने कब कौन सा बैंक डूब जाए, ना जाने कब किस बैंक का लाइसेंस आरबीआई रद्द कर दे, ना जाने आरबीआई कब किस बैंक पर प्रतिबंध लगा दे और उसके बैंक खाता धारकों को पैसे निकालने पर लिमिट लगा दे, कहना मुश्किल है। आरबीआई है, सरकार है, वित्त मंत्रालय है, लेकिन फिर भी बैंक में रखे अपने पैसों की सुरक्षा को लेकर आप सतर्क रहें, क्योंकि आपके पैसों पर लुटेरों की नजर है। कब कौन पैसा लूटकर भाग जाएगा, कहना मुश्किल है। जब आपका पैसा लूट जाएगा तो पछताने के सिवाय आपके पास कोई विकल्प नहीं रहेगा। कई बैंकों या DHFL जैसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के जमाकर्ताओं के साथ ऐसा हो भी चुका है। इसलिए पैसा आपका है, उसकी सुरक्षा भी आप ही कीजिए, यानी बी योर मनी मैनेजर। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही, लेकिन अपने फाइनेंशियल सफर को सुहाना बनाने के लिए देखते रहिए अपना YouTube चैनल बी योर मनी मैनेजर और पढ़ते रहिए beyourmoneymanager.com। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।